पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वांचल सवाल पूछ रहा है। सवाल यह कि पूर्वांचल को उसका हक क्यों नहीं मिला। सवाल यह कि आखिर पूर्वांचल से किए गए वादे पूरे क्यों नहीं हुए। चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो, बलिया हो, पूर्वांचल में बदहाली की तस्वीर एक जैसी है। आज हम आपको मिर्जापुर और जौनपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कभी उद्योग धंधों के लिए मशहूर रहा मिर्जापुर, आजकल बेनूर है। कल कारखाने बंद हो गए हैं, व्यापारी खाली हाथ हैं और नौजवान बेरोजगार। सवाल यह कि आखिर पूर्वांचल की बदहाली की यह तस्वीर कब बदलेगी। मिर्जापुर पहचान एक धर्म नगरी की, वो शहर जो मां विंध्यवासिनी की वजह से पहचाना जाता है। लाखों श्रद्धालु यहां मां के दरबार में अपनी आस्था जताने आते हैं। लेकिन चंद साल पहले तक इस शहर की पहचान पूर्वांचल के एक अहम औद्योगिक नगर के तौर पर की जाती थी। आजादी से पहले तक यहां लाख, कपड़ा और रुख का व्यापार होता था। बुजुर्ग बताते हैं कि यहां जल मार्ग से बड़े बड़े जहाज पहुंचते थे। मिर्जापुर में बने सामान की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों तक भी थी। एक वक्त वो भी था जब मिर्जापुर की पहचान पीतल के बर्तनों के लिए होती थी। पूरे मुल्क में मिर्जापुर में बने पीतल के बर्तनों की डिमांड थी, लेकिन ये गुजरा हुआ वक्त था। आज मिर्जापुर की जो तस्वीर है उसे देखकर शायद ही किसी को यकीन होगा कि ये शहर कभी उद्योग धंधे के लिए जाना जाता था। बुनियादी सुविधाओं की कमी और सरकारी अनदेखी ने मिर्जापुर के उद्योग धंधे की कमर तोड़ दी है। टैक्स की मार ने पीतल के बर्तन उद्योग को खत्म कर दिया है, तो बुनियादी सुविधाओं की कमी ने दूसरे उद्योग धंधों को खत्म कर दिया है। कभी चुनार के मिट्टी के बर्तन देश भर में बिकते थे, लेकिन आज मजदूरों के पास काम नहीं है। व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया है। नहीं, उद्योग तो शून्य हो गया है। जो पहले के उद्योग जैसे पीतल उद्योग था यहाँ पे, बर्तन व्यवसायी सब जो है बिल्कुल बेचारे परेशान हैं, बिल्कुल शून्य हो गया है। उसके बाद जो कालीन उद्योग था, रुई का उद्योग था, वो भी शून्य हो गया है। तो उद्योग तो यहाँ पे लगने चाहिए। नौजवान पढ़े लिखे लड़के जो MA BA कर रहे थे ना, उस सस्ती के जमाने में भी 300-400 रुपए का रोज का काम करते थे। आज महंगाई बहुत ज्यादा है, आज वो काम करे तो 1000-1200 रुपए रोज का काम करते, लेकिन काम ही नहीं रह गया। सरकारी अनदेखी की मार सिर्फ बड़े उद्योगों पे पड़ी हो ऐसा नहीं है। कभी मिर्जापुर में बने कालीन की डिमांड दुनिया भर में थी। कालीन बनाकर गरीब बुनकर अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन आज ये कारोबार भी बंद हो गया है। अब सवाल ये है कि आखिर मजदूर क्या करे तो व्यापारी क्या करे। धीरे धीरे मिर्जापुर से कारपेट इंडस्ट्री, कह सकता हूँ कि दिवालिया के कागार पर पहुँच गई। उसका बड़ा कारण यह था कि मिर्जापुर में बेकारी बहुत ज्यादा थी और आज भी उससे कहीं ज्यादा है। तेंदू पत्ता का व्यवसाय था, रुई का व्यवसाय था, चुनार का पाटरी उद्योग था, पत्थर और गिट्टी का काम था। हर चुनाव में पूर्वांचल के विकास की बात होती है, बात होती है उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की, बात होती है लोगों को रोजगार देने के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की। लेकिन मिर्जापुर की तस्वीर ये कहती है कि हर वादा और हर दावा झूठा है। मिर्जापुर की तस्वीर ये बताती है कि पूर्वांचल पहले भी बदहाल था और गुजरते वक्त के साथ ये बदहाली की तस्वीर और बदरंग होती जा रही है। मिर्जापुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। पूर्वांचल से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो, बलिया हो, पूर्वांचल में बदहाली की तस्वीर एक जैसी है। आपको जौनपुर की भी तस्वीर दिखाते हैं। जौनपुर कभी पूर्वांचल का बड़ा औद्योगिक इलाका हुआ करता था। जौनपुर में बने इत्र की खुशबू पूरे देश में महकती थी, लेकिन आज हालत यह है कि कारखाने बंद हो चुके हैं, नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक वक्त था जब इन कारखानों में बने इत्र की खुशबू देश भर के लोगों को पसंद आती थी। एक वक्त था जब इन कारखानों में मजदूरों की चहल पहल रहती थी, लेकिन जौनपुर का ये सुनहरा वक्त गुजर चुका है।
आज कारखाने बंद है, मजदूर बेरोजगार है और व्यापारी की हालत पस्त है। गंगा गोमती के तट पर बसा जौनपुर अपने सीने में सुनहरे वक्त की याद दबाए हुए है। पुरानी विरासत आज भी शहर के सुनहरे अतीत की याद दिलाती है, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि पुरानी इमारतों की तरह जौनपुर की तकदीर भी खंडहर हो गई है। इलाके में ना तो कोई उद्योग धंधा है और ना ही रोजगार का कोई साधन। जौनपुर की बदहाली के पीछे देखिए, कहीं ना कहीं इसको उपेक्षित किया गया है, उपेक्षित नजरों से देखा गया है, क्योंकि अगर इस दृष्टिकोण से हम मोदी जी के कार्यों को देखेंगे या अखिलेश के कार्यों को देखेंगे तो हम संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अगर उन्होंने बनारस से लड़ाई लड़ी है, बनारस में जितना उन्होंने विकास किया है, बनारस से सट करके हमारा जौनपुर है और जो कि एक पर्यटन स्थल इसको होना चाहिए और यहाँ का शिक्षा का स्तर भी बहुत उच्च रहा है। शिराजी हिंद की धरती के नाम से हमारा जौनपुर जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर न तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा, न तो यहाँ की सड़कें भी इस तरह की कुछ दिखाई दे रही, न पर्यटन स्थल होने में किसी का भी कोई हाथ दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार से मेरी अपेक्षा है कि जौनपुर के लिए जो है वो शिक्षण संस्थान और इस तरह से जो है चीज़ें जो है यहाँ पे जो है विकसित करवाएं, जिससे कि यहाँ का आम आदमी को जो है लाभ मिले और पर्यटन के जो यहाँ पे संभावनाएं हैं उनको जो है विशेष तवज्जो दें, उनको आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे वक्त गुजरा जौनपुर में कल कारखाने बंद होते चले गए। शाहगंज में अंग्रेजों के जमाने की शुगर मिल प्राइवेट सेक्टर में चली गई। कताई मिल को बंद कर उसमें मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद हो रही है। होम्योपैथिक कॉलेज बंद हो गया, पराग डेयरी बंद हो गई, यानी सब कुछ बंद ही हुआ और कोई नया उद्योग धंधा इस इलाके में नहीं खुला। यहाँ चीनी मिल, कताई मिल, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, ये सब हमने खोया है। सिंचाई विभाग का भी यहाँ मुख्यालय था, वो बनारस चला गया। जौनपुर मूल रूप से खोने का काम ज्यादा किया है, पाने का काम कम किया है। यहाँ के जो नेता पैदा हुए, नेताओं ने जौनपुर के विकास के बारे में कम सोचा, अपने विकास के बारे में ज्यादा सोचा, इसीलिए जौनपुर बदहाल है। और जौनपुर तब तक बदहाल रहेगा जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि कि सोच विकास की नहीं होगी, आपस में सहमति नहीं होगी। जौनपुर का सथरिया इंडस्ट्रियल एरिया अपने वजूद की तलाश कर रहा है। बिजली की किल्लत के कारण यहां उद्योग पनपने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर पूर्वांचल के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? पूर्वांचल को कब उसका हक मिलेगा? पूर्वांचल कब तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा? अजीत सिंह, इंडिया 24/7, जौनपुर। पूर्वांचल की हालत पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कहना है कि पिछले दो सालों में मोदी सरकार ने पूर्वांचल के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि यह वक्त भ्रष्टाचार के मामले में बहस का है। मोदी सरकार पूर्वांचल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। लंबे समय से पूर्वांचल कहीं ना कहीं बदहाली का शिकार रहा है, बावजूद उसके कि वहां पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कभी कोई कमी नहीं रही। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं, जो यूं तो दिल्ली से सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वांचल उनकी जन्मभूमि। एक मनोज जी चीज बताइए, पूर्वांचल में राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बहुत रहा, तमाम प्रधानमंत्री रहे, तमाम राजनीतिक रहा, लेकिन पूर्वांचल की बदहाली का सबसे बड़ा कारण क्या है? सीधा सा कारण है कि जो सरकारें रही हैं उन लोगों ने जनता के हित की, उनकी सुविधाएं बढ़ाने की, उनका जीवन स्तर बदलने की कोशिश नहीं की है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है, लोग अपना अपना घर भरने में लगे हुए हैं। सवाल इसका है कि पूर्वांचल आज किस स्थिति में है, या आप जाके खुद इसका एहसास कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से डर कैसे हो, इसके लिए आज एक माहौल बनाने की जरूरत है। अगर मान लीजिए हम जैसे एक मुद्दा चल रहा है कि एक हेलीकॉप्टर खरीदने में 350 करोड़ घोटाला हो, अगर ये सिद्ध ही हो जाए कि हाँ जी इन्होंने पैसा लिया,
जिन्होंने लिया वो तो सिद्ध हो गया, लेकिन अगर उसका इस सरकार से संबंध है तो उसको 5 साल की सजा हो जाएगी, फिर वो अध्यक्ष बना रहेगा, फिर वो चुनाव लड़ेगा, फिर वो अपनी इमेज बिल्डिंग करेगा। तो भ्रष्टाचार से डर कैसे हो? इसके लिए पूर्वांचल का जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के लिप्तता में काम नहीं किया उनके लिए एक ऐसा रूल होना चाहिए जिसको कहते हैं ना कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। आपको लगता है कि आपकी सरकार ने इस 2 सालों के दौरान पूर्वांचल के लिए वो काम किया है कि पूर्वांचल को बदहाली से खुशहाली तरफ ले जाया जाए? निश्चित रूप से, चूंकि मैं ट्रांसपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर भी हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि अभी अभी 13,700 करोड़ रुपए हम लोगों ने सैंक्शन किए वाराणसी से गोरखपुर की सड़क को और वाराणसी से लखनऊ की सड़क को 4 लेन करने के लिए। यातायात भी नहीं है, पहुंचने में ही आपको अगर बनारस से बलिया जाना हो तो आप रो देंगे। तो लोग अपने अनाज को कैसे मार्केट तक पहुंचाएं, इसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी सुविधा है। इसके लिए मोदी सरकार ने कोशिश शुरू किया, काम भी शुरू हो गया, आप जाएंगे तो इस समय बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो ये थे अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्वांचल के विकास के लिए हमारी सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। हाँ, वो अलग बात है कि जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने पूर्वांचल की साझेदारी के हिसाब से उसको भागीदारी नहीं दी। दिल्ली से राहुल दीक्षित के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7।